बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, आप लोग इस चैप्टर में देख रहे हो, चैप्टर का नाम काफी बड़ा है और इस चैप्टर में हम लोग को सारी चीजें डिस्कस करनी है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर वन में क्लास एट के ज्योग्राफी बुक का आपने पढ़ा था, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में, राइट? तो आज हम लोग वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वुड बी लैंड, द सेकेंड वुड बी सॉइल, थर्ड वुड बी वॉटर, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि वो इस पूरी चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, लैंड टॉपिक में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंड, लैंड यूज एंड द कंजर्वेशन ऑफ लैंड। ओके, इन द सेकेंड टॉपिक सॉइल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। इन द थर्ड टॉपिक अबाउट वाटर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेचुरल वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग अपना सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों, हम लोग लैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग द मेन टॉपिक ऑफ लैंड, तो मैं आप लोगों को एक छोटी एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। दो डिफरेंट एरियाज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हर एक रीजन जो हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, तो सब रीजन का एक टाइप का लैंड नहीं होता है। हर एक लैंड काफी डिफर करता है, उनकी क्वालिटी काफी डिफर करती है, उनके लिविंग स्टाइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो सब कुछ काफी डिफरेंट होता है। तो एग्जांपल्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये आपका जो फर्स्ट फोटो है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया विच इज इन साउथ अफ्रीका। ओके, ये तंजानिया का एक स्मॉल विलेज है। यहाँ पे आप घर देखो बच्चों, तो आप देख रहे हो कि ये पूरा हट बना हुआ है, राइट? यहाँ लोग हट में रहते हैं, ब्रिक्स से बनाए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप दूसरी पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे, देयर लिविंग स्टाइल, द कंडीशन। आप यहाँ पे लैंड भी देख रहे हो, काफी रग्ड है, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं दिख रहा है, राइट? तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए काफी सुटेबल नहीं है। और उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन काफी हॉट रहते हैं। अफ्रीका आप लोग जानते भी हो, काफी हॉट रीजन है, राइट? इक्वेटर के पास है तो काफी हॉट है। उसके अलावा देखो, यहाँ पे ये ट्यूबवेल या फिर जो आपका पानी निकालते हैं बच्चों, ये लोग जो पानी लेने जाते हैं, दे हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट एन आवर टू टेक वाटर, राइट? टू गेट द वाटर। ये लोगों को इनके घर के पास बिल्कुल नहीं होता है, द प्लेस दैट दे आर लिविंग इन, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इन लोगों को एक घंटा जाना पड़ता है, नहीं तो फिर चापाकल से या फिर ट्यूबवेल्स होंगे तो वहां से ये लोग अपना वाटर निकालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी कि आपको जैसे मैंने बताया कि लैंड यहाँ का काफी सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, सो दे हैव द मेन थिंग दैट दे डू हियर फॉर देयर लिविंग और फॉर देयर सब्सिस्टेंस इज रियरिंग ऑफ गोट्स, राइट? तो यहाँ के लोग जो है बच्चों, ये लोग मेनली गोट की रियरिंग करते हैं फॉर देयर सब्सिस्टेंस एज देयर जॉब, राइट? अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस दूसरे एग्जाम्पल में देखो बच्चों, यहाँ पे देखो न्यूजीलैंड के स्मॉल विलेज की फोटो है ये बच्चों। तो ये एक विलेज को आप देख सकते हो, काफी डिफरेंट है दैट फ्रॉम दी विलेज इन तंजानिया जो साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड किधर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के पास में, सदर्न पार्ट ऑफ आवर कॉन्टिनेंट, राइट? तो आप देखो ये सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ओके, अब तक तो आप लोगों ने हेमिस्फेयर, कॉन्टिनेंट, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो इट वोंट बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड और रिकग्नाइज ऑल दीज प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फोटो से आप देख रहे हो, इनका लैंडस्केप काफी सुंदर है, मच मोर ब्यूटिफुल। जैसे अफ्रीका के उस स्मॉल विलेज का क्लाइमेटिक कंडीशन काफी हॉट है, बट यहाँ पे आप क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफी नॉर्मल रहता है। ओके, इसके बाद आप क्या देख रहे हो कि अफ्रीका के तंजानिया के विलेज में आपने देखा कि वहां पे लोग रियरिंग ऑफ गोट्स करते हैं, राइट? बट यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करता है एंड पीपल मेनली दे फॉलो वुल रियरिंग एज देयर ऑक्यूपेशन, राइट? तो यहाँ पे लोग वुल रियरिंग करते हैं। यू कैन सी द ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द विलेज इन तंजानिया। उसके बाद देखो, द थर्ड थिंग टू नोटिस हियर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ न्यू टेक्नोलॉजी। तो वहां पे जैसे लैंड वॉज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे काफी उल्टा कंडीशन है, यहाँ पे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी है वो सारी टेक्नोलॉजीज भी यूज होती है इन सारी फार्मिंग में। ओके, तो अब आप लोगों ने ये दोनों पिक्चर्स देखे, तो विलेज अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग विलेज के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो आपने देखा है कैसे अफ्रीका के इस छोटे से विलेज में, और अगर आप न्यूजीलैंड के इस छोटे से विलेज की बात कर रहे हो, तो इनका अगर आप देखो तो लैंड काफी डिफर करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी डिफर करते हैं, टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स, सब कुछ डिफरेंट है, राइट? तो माय मेन मोटिव हियर इज टू एक्सप्लेन यू दैट कि हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लैंड की कंडीशंस काफी डिफर करती है, राइट? हर एक जगह पे इफ यू विल नोटिस, तो
हर एक एरिया में देयर वोंट बी द लैंड वोंट बी द सेम एज द प्लेस दैट यू आर लिविंग इन, राइट। तो अगर आप वेस्टर्न रीजन में रह रहे हो तो वहाँ पे लैंड की क्वालिटी कुछ और रहेगी, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हो तो वहाँ पे लैंड की क्वालिटी कुछ और रहती है। ओके तो अब हम लोग देखते हैं, लैंड के बारे में पढ़ते हैं, सिंस यू हैव गॉट अ ब्रीफ आइडिया कि लैंड जो है हर एक प्लेस में द क्वालिटी ऑफ लैंड डिफर्स। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द अदर रीजंस फॉर दैट। ओके लेट अस सी फर्स्ट। सो लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो आप लोग जहाँ पे रहते हो, कैन यू इमेजिन कि अगर लैंड नहीं होता तो हाउ वुड यू हैव सर्वाइव, राइट। कि आप लोग घर जो है लैंड पे बनाते हो, सारा काम जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो लैंड पे ही होती है हमारी, एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट ट्रीज, एनिमल्स जो रह रहे हैं वो भी लैंड पे रह रहे हैं। यू कांट इमेजिन योरसेल्फ राइट फ्लाइंग इन द एयर और स्विमिंग इन द वाटर, तो वैसे कंडीशन में तो आप रह नहीं सकते हो। तो लैंड आप कह सकते हो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस, राइट। ऑल्सो इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ टोटल एरियाज ऑफ अर्थ सर्फेस, राइट। तो हमारे अर्थ सर्फेस को, जैसे आप पूरे अर्थ सर्फेस को देखोगे तो उसमें जो 30% है बच्चों वो हमारा लैंड सर्फेस है, और बाकी का जो 70% है दैट इज कवर्ड विद वाटर, राइट। और इसमें भी जो हमारा 30% है, 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस, उसमें भी नॉट ऑल पार्ट्स आर हैबिटेबल। हैबिटेबल कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि हर एक एरिया जो हमारे अर्थ सर्फेस का है वो वहाँ पे हैबिटेट बनाना, या फिर दैट प्लेस इज नॉट सुटेबल कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं, या फिर जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप जहाँ पे अपने घर में रह रहे हो, तो दैट इज अ हैबिटेबल प्लेस फॉर यू, राइट। जहाँ पे भी आपका हैबिटेट है, जहाँ पे आपका घर है, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो वो सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है आपके रहने के लिए, राइट। लेकिन ये 30% जो हमारे अर्थ सर्फेस का है, तो ऐसा नहीं है कि सारा 30% जो रहेगा वो सारा का सारा हैबिटेबल होएगा, नो। अब हम ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस फोटो यू कैन सी द लैंड यूज कैपेबिलिटीज, ये वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे तो हमारा वर्ल्ड मैप ऐसे लगता है। नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट मैप्स ऑल्सो इन क्लास 7, तो आपको अब पता होगा कि वर्ल्ड मैप में आप सारे कंट्रीज को लोकेट कर सकते हो। यू कैन सी आवर कंट्री इंडिया इज हियर ऑन द मैप, राइट। तो डिफरेंट रीजन में कौन कौन से किस पर्पज के लिए लैंड यूज होता है, तो ये सारी चीजें हम लैंड यूज में भी पढ़ेंगे, राइट। अब हम देखते हैं द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री इज ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो बच्चों जैसे हमने बोला कि जो 30% है हमारे अर्थ सर्फेस का, तो सारा जो है वो हैबिटेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होगा, कहीं पे पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी ज्यादा होगी और कहीं पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी। तो इसका रीजन क्या है कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर कंट्री, व्हाई इज इट सो, इट इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड ऑल्सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लाइमेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफी मेजर फैक्टर है ये रीजन में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का उसके लिए। नाउ लेट अस सी दिस, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। अब ये सारे फिगर्स आपको याद करना इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, कि अब आप देखो कि जो भी हमारा टोटल आप सर्फेस अर्थ सर्फेस पे जो हमारा 30% है वो हमारा लैंड सर्फेस है, राइट। अब उसमें भी उस टोटल एरिया में से सिर्फ 30% एरिया जो हमारे लैंड का है वहां पे 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया कि सारा एरिया जो हमारा लैंड है वो हैबिटेबल नहीं होता है, तो उसमें जो 30% है वर्ल्ड पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर रिसाइडिंग इन दिस 30% एरिया। ऑल्सो द अदर 70% इज नॉट पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड, राइट। तो या तो ये 70% जो बाकी के 70% बच गए हैं, तो इसमें या तो बहुत कम पॉपुलेशन होती है या फिर लोग रहते ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं रीजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। द रीजंस फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, द फर्स्ट वन हियर इज फिजिकल एंड द सेकेंड वन हियर इज ह्यूमन। फिजिकल फैक्टर्स में रिलीफ या शेप ऑफ लैंड, जो जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस या आपके फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो जैसे ये एरो आपको दिखा रहा है कि ये गैंजेस वैली, मतलब जो हमारा गंगा रिवर है, आपने नाम तो सुना ही होगा, तो हमारे इंडिया में जो गंगा रिवर है वहां पे बहुत हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। कहने का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग उस एरिया में रहते हैं, बहुत पॉपुलेशन है वहां पे, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। लेकिन अगर आप हिमालयस की बात करो, जो बिल्कुल नॉर्दर्न रीजन में, हमारे कंट्री के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में, तो वहां आप देखोगे कि काफी लो डेंसिटी है। अब इसका रीजन क्या है, तो जैसे हमने पढ़ा लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट।
या तो यहाँ पे लैंड के फीचर्स जो है वो सुटेबल नहीं होंगे कि लोग अपने हैबिटेट वहाँ पे जाकर अपना घर बनाए, राइट, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करता होगा, या तो क्लाइमेटिक कंडीशन काफी रफ होता होगा, है ना। तो मेनली अगर आप बात करो कि पॉपुलेशन रीजन के डिफरेंट क्यों होते हैं, तो आप हमेशा याद रखना लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशन आर द मेन फैक्टर्स फॉर इट। अब आप देखो कि ये जो आप पिक्चर्स यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर द लैंड्स दैट आर नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेशन। अब हमें जानना चाहिए ना कि कौन कौन से लैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह नहीं सकते। यू मस्ट नो दीज थिंग्स, क्योंकि आप जिस एरिया में रह रहे हो आपको पता है कि दिस इज सुटेबल फॉर माई लिविंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज होते रहते हैं, बट यू कैन सर्वाइव देयर, राइट। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे यू कांट इवन थिंक ऑफ सर्वाइविंग, यू कांट इवन थिंक कि वहाँ पे लोग जाके घर बनाए। तो सबसे पहला क्या है, रग टोपोग्राफी। रग टोपोग्राफी कहने का क्या मतलब है बच्चों, जैसे आप फोटो में देख रहे हो कि आपको लैंड यहाँ पे काफी रफ दिख रहा है, राइट, ऊपर नीचे ऊबड़ खबड़ अगर आप ऐसे कहो तो काफी रफ है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रीजन नहीं है और यहाँ पे लोग जो है रह नहीं सकते। यहाँ पे अगर आप सोचो कि एक घर बनाओगे तो आप नहीं रह सकते, राइट, आप माउंटेन्स ये सब की तरफ जाते होंगे, अगर कहीं आप घूमने जाते हो और आप माउंटेन्स देखते हो तो वहां पे भी आप देखते होंगे कि वहां पे लोग रहते नहीं है। वहां पे आप घूमने जरूर जा सकते हो बिकॉज लैंडस्केप द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस इज रियली वेरी गुड, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग, क्योंकि वहां पे लैंड सुटेबल नहीं है, द रिलीफ फीचर देयर इज नॉट गुड फॉर हैबिटेशन। द थर्ड पिक्चर हियर शोज डेजर्ट। तो डेजर्ट में भी आप देखते होगे बच्चों कि आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है और वहां पे आप रहना चाहोगे तो आप रह नहीं सकते हो, राइट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस आप रेत में रहने की सोचो, बिल्कुल जहाँ पे आपको सिर्फ सैंड मिल रहा है, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है लाइफ बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हैबिटेशन काफी कम होती है। द फोर्थ पार्ट हियर इज द लो लाइंग एरियाज, मतलब जो हमारा जो मेन लैंड जो लेवल होता है हमारा उससे थोड़े लेवल नीचे जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा न्यूज में देखते होगे कि बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे फ्लड आते ही वहां पे सारा विलेज बह जाता है पानी के साथ, तो वो लो लाइंग एरियाज में होते हैं इस वजह से। तो दीज आर ऑल्सो द प्लेसेस जहाँ पे फ्लड का पानी आए या फिर पूरा पानी भर जाए तो उस एरिया में आप रह नहीं सकते हो, राइट। सो दे आर नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेशन। एंड वॉट आर द प्लेसेस दैट आर सुटेबल फॉर हैबिटेशन, तो हम देखते हैं प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज, दे ऑफर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड हेंस दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब जो एरिया हमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर या फिर वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो येस दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू कैन थिंक ऑफ लिविंग हियर, राइट। और एनिमल्स प्लांट्स सबके लिए काफी अच्छा और प्रोस्पेरस रीजन होता है। तो हम लोग बेसिकली प्लेन्स या रिवर वैलीज में ही रहते हैं, उसके सराउंडिंग में रहते हैं। आप लोग जो रीजन में रहते हो वो प्लेन एरिया में रहते हो या फिर प्लेट्यू रीजन में रहते हो, तो आप लोग देखो कि ये इंडिया में भी हम लोग बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं डिफरेंट एरियाज में। नॉर्दर्न रीजन में आप जाओगे माउंटेनियस है, सेंट्रल इंडिया में प्लेन रीजन ये सब आता है, डेक्कन में प्लेट्यू रीजन आता है, तो काफी डिफरेंट रिलीफ फीचर्स इंडिया में भी है बच्चों। लेकिन जहाँ पे लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे होते हैं लोग वहीं पे प्रेफर करते रहना, राइट। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने क्या देखा, इन शॉर्ट वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज लैंड, वी सॉ दैट लैंड जो है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ऑल्सो 30% जो है हमारे अर्थ सर्फेस का दैट इज कवर्ड बाई लैंड, एंड उस 30% में भी जो हमारा 30% आएगा वहीं पे सिर्फ 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर लिविंग देयर, राइट। एंड यू ऑल्सो सॉ दैट कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हैबिटेशन पॉसिबल है और कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर मोर अबाउट द लैंड यूजेस एंड विल ऑल्सो सी कि वॉट आर द अदर फीचर्स एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड एंड द कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो हम लोग इस सब्सिक्वेंट सेशन में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट यू द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care and thank you very much.